महेश फोगाट का मामला एक कोच के नाते आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या था। पूरी बातें खुल के देश के सामने नहीं आई है और उसमें कोई ना कोई कारण मिलेंगे जो कि वो टीम भी नहीं बता पा रही, वो गुड़िया भी नहीं बता पा रही, लेकिन वो कोई मतलब जैसे सुभाष चंद्र बोस का, लाल बहादुर शास्त्री का एक रहस्य है, तो हम ये मान रहे कुछ एक रहस्य मिलेगा। हम जितने अकेडमी चला रहे हैं सब अनुमान लगा रहे थे भाई वो गुड़िया गोल्ड लेके ही आई। फिर चलो मालिक विधाता का वो है भाई, हमने उस कहानी का पूरा पिक्चर पता लगा नहीं है और हम सोच रहे हैं भाई वो पिक्चर आएगी सामने, क्या पता लगेगा ये कैसे क्या है उसके अंदर, वो तो आने वाला समय बताएगा। विनेश इस कंपटीशन में काफी टिक टूट चुकी है और एक बंदा ऊपर से टूटता है, एक राजनीतिक या मतलब किसी समाज से टूटता है, एक बंदा अंदर से टूटता है, तो अंदर से काफी टूट चुकी है। विनेश फोगाट का जो मामला हुआ उससे आप लोगों को कोई तकलीफ हुई? तकलीफ तो होती है, एक प्लेयर इतना ऊपर जाता है, इतना अच्छा आउट देता है और बिना मेडल के वापिस आता है, तो सबको दुख तो होता ही है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में है तो क्या कहेंगी, एक खिलाड़ी अब पॉलिटिक्स में पहुंच गया है? अभी पहुंच गया है तो हमें उनके साथ रहना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर ही प्लेयर की भावना को समझता है, वो गहराई में जा सकता है, समझ सकता है, कल को लड़कियां ऊपर जाती हैं तो उनको इंसाफ दिला सकता है। सरकार ने सर एक पॉलिसी बना रखी है जो जिसका बच्चा ओलंपिक में या एशियाड में मेडल लाएगा उसके गुरु को भी इतने पैसे मिलेंगे। अब मैंने वो फार्म भी भर दिया करा, कितने ऑफिसों के मैं चक्कर काट लिया, अब तक मेरे को एक भी रुपया नहीं मिल लिया उसके लिए। सर सरकार बस ये है कि सर ग्राउंड पर आकर सरकार देखे और जिससे मतलब जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं या सेंटर जो करा रहे हैं उनको एक ऐसा कोई स्कीम, ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें ग्राउंड पर काम करने वालों को भी दिक्कत नहीं हो और बच्चे जो कर रहे हैं उनको भी ये लगे भाई हम एक सही भविष्य की तरफ चल रहे हैं। तो अपनी चुनावी यात्रा में, हरियाणा की जो यात्रा है हमारी, उस यात्रा में हम एक अखाड़े पे पहुंच चुके हैं और अखाड़ा जानते हैं आप, जहां पहलवानों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, न सिर्फ पहलवानी यानी रेसलिंग, उसके अलावा यहाँ पर टेनिस के लिए, लॉन टेनिस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन हम आज अभी बात करेंगे कुछ उन पहलवानों से, उन रेसलर्स से जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसके अलावा यहाँ जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। आप जानते हैं कि अखाड़ा इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उसमें भी सबसे ज़्यादा विनेश फोगाट का जो मामला आपने सुना था और उस मामले के कारण हरियाणा ऐसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हरियाणा में आप जानते हैं जो खिलाड़ी हैं वो खेलों में और ख़ासकर रेसलिंग में बहुत ज़्यादा मेडल्स लेके आते रहे हैं और चाहे वो ओलंपिक हो या वो वर्ल्ड रेसलिंग हो या चाहे आप इंटरनल खेल हो या इंटरनेशनल खेल हो, इन सब में और यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, ये सब आप देख रहे हैं ट्रेनिंग के अलावा। और कुछ हमारे साथी भी, हम प्रशांत टंडन जी हैं और अमित नेहरा हैं, ये तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा कुछ और साथी हैं जिनसे बात करेंगे। अमित जी, जरा आपसे पहले समझो कि ये अखाड़ा कहाँ का है और कौन हेड करते हैं इस अखाड़े को, ज़रा उनसे मिलवाइए। फिर ये अखाड़ा मदीना गांव में है, मदीना गांव मजबूत गांवों में से एक हरियाणा के, और जहाँ पे स्त्री कल्चर है और अजमेर मलिक जी संचालक हैं इसके, एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं और रिटायर हुए भी मेरे ख्याल से 2008-11 में आप रिटायर हुए हैं। तो इन्होंने पहले से एक मिशन बना रखा था, इसकी तैयारियां 2008 से शुरू कर रखी थी और इनके जो तैयार किए गए जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल को तो छोड़िए इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं, ओलंपिक में भी गए हैं और इसके साथ साथ लॉन टेनिस का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट जो दिया है वो हरियाणा में अपने आप में एक यूनिक है। इनका खुद का जो बेटा है, क्या अमन मलिक, अजय मलिक, बहुत सारे उन्होंने इनाम जीते हैं, तो एक इनको श्रेय जाता है कि इस इलाके में कुश्ती के साथ साथ लॉन टेनिस जो एक अभिजात्य वर्ग का खेल है, कुश्ती को थोड़ा सा ये मानते हैं कि ये देसी खेल है, लेकिन लॉन टेनिस जो है वो एक इलीट क्लास का गेम है, तो दोनों को का मिक्स करना एक अजूबा सा ही है इस गांव में, इस क्षेत्र में। तो बात करते हैं इन्हीं से। और मलिक साहब, ज़रा आपका तो पहले स्वागत है और इस अखाड़े के बारे में बताइए, कैसे ये योजना आपके दिमाग में आई, फौज में थे आप और वहाँ से फिर यहाँ तक का ये सफ़र कैसे, और यहाँ क्या क्या अचीवमेंट आप अब तक आपका हो चुका है? तो सर चैनल देखने वालों को सबको मेरी नमस्कार जी, और मेरा एक जी मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ जी, मैं 20 साल नौकरी करके आया, सुबेदारी से मैं पेंशन आया और
मैं एक यहाँ मकसद लेके आया सर, जैसे मैंने अपने देश के लिए आर्मी में मैंने काम किया, तो ये देखा कि भाई मैं एक इंडिया में ऐसे बच्चे तैयार करूँ जो देश का भविष्य बने। तो इसमें मेरी एक जो सोनम मलिक है जी, जो टोक्यो ओलंपिक में गई थी, तो एक अजय मलिक है जी डेविस कप खेल का है, एक सुनील है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल के आया, तो और जो छोटे बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा खेलो इंडिया में नेशनल में गोल्ड दे रहे हैं, बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो एक अच्छी मतलब एक ग्राउंड पर देहात में जहाँ टैलेंट बच्चे हैं उनके लिए मतलब मैं एक ऐसा काम कर सकूं भाई, उनको वो सुविधा दे सकूं जो बच्चे उनका परिवार उस चीज़ को सुविधा नहीं दे सके, भाई इतना खर्चा नहीं कर सके, तो देहात में मैं उनके लिए वो सारी चीज़ें का एक प्रबंध करूं भाई, उनको किसी चीज़ की कमी ना रहे, कल ने ये ना कहे भाई मेरा परिवार ऐसा था, गरीब था, नहीं तो मैं ऐसा कर देता। तो उनको वो सुविधा मैं यहाँ ग्राउंड पर दे रहा हूँ, और वो बच्चे जो देहात के हैं जो वाक्य में कभी गेम नहीं कर सकते, वो बच्चे गेम कर रहे हैं और देश का भविष्य बन रहे हैं सर। अच्छा, तो जो ओलंपिक की आप बात बता रहे हैं, ओलंपिक का जिक्र पिछले दिनों काफ़ी हो रहा था जब विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ। ज़रा आपसे टेक्निकली समझना चाहता हूं कि विनेश फोगाट का मामला एक कोच के नाते आपसे समझना चाहता हूं कि क्या था। देखो सर, उसमें हम गहराई से तो नहीं गए हैं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा हम सुनते हैं, क्योंकि उसके साथ में जो टीम है वह बड़ी क्वालिफाइड टीम है जो काम कर रही थी, और अभी वो पूरी बातें खुल के देश के सामने नहीं आई है, और उसमें कोई ना कोई कारण मिलेंगे जो कि वो टीम भी नहीं बता पा रही, वो गुड़िया भी नहीं बता पा रही, लेकिन वो कोई मतलब जैसे सुभाष चंद्र बोस का, लाल बहादुर शास्त्री का एक रहस्य है, तो हम ये मान रहे कुछ एक रहस्य मिलेगा और वो देश के सामने आएगा और देश उस बात को समझे भीगा कि भाई ये रहस्य है, क्योंकि वो गुड़िया को हम जो जैसे उसने रिजल्ट निकाला तो उससे हमारे को ये लग रहा था कि भाई ये एक वहाँ से हमारे लिए गोल्ड लेके आएगी, क्योंकि जिन बच्चियों को उसने हराया उसको हम कोई भी अनुमान नहीं लगा रहे थे। तो क्यों चैंपियन थी वो जिसको हराया था? वो पेरिस ओलंपिक सर, पेरिस में जो हो रहे थे पहले वाले ओलंपिक में वो जीती थी जिसको हराया हाँ, था वो जीती थी, और वो तो देखो वर्ल्ड की सबसे तगड़ी थी, और हम जो यहाँ जो परीक्षण देते हैं, कोच देते हैं ये, तो हमने ऐसा लगा कि भाई कोई शक्ति कोई ऐसा काम करे जिसे हम भगवान बोलते हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसे काम करी थी जो गुड़िया ने उस टाइप से उसने काम करा, और जो उसका पूरा वहाँ गेम चलता तो हम जितने एकेडमी चला रहे हैं सब अनुमान लगा रहे थे भाई वो गुड़िया गोल्ड लेके ही आएगी। फिर चलो मालिक विधाता का वो है भाई, हमने उस कहानी का पूरा पिक्चर पता लगा नहीं है, और हम सोच रहे हैं भाई वो पिक्चर आएगी सामने, क्या पता लगेगा कैसे क्या है उसके अंदर, वो तो आने वाला समय बताएगा। विनेश ने लेकिन संन्यास की घोषणा की, फिर वो अब चुनाव भी लड़ रही हैं, एक कोच के नाते क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में जाने से बेहतर ये होता कि विनेश जो हैं वो अभी अपना अगला जो ओलंपिक है उसमें भाग्य आजमाती? देखो सर, ऐसा है कि विनेश इस कंपटीशन में काफ़ी टूट चुकी है, और एक बंदा ऊपर से टूटता है, एक राजनीतिक या मतलब किसी समाज से टूटता है, एक बंदा अंदर से टूटता है, तो अंदर से काफ़ी टूट चुकी है, और जब टूटने से जब आदमी अंदर से टूटता है तो उसने फिर वो चीज़ नहीं दिखती, तो उसने फिर संन्यास ही उस चीज़ का वो लगता है। और अब रही बात राजनीतिक की, देखो राजनीतिक तो उसने कोई भी दल उसने ले लेगा राजनीतिक में, तो वो लड़की बहुत कुछ करना चाहती है, अब वो करना कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वो एक सच्चाई से एक लड़ना चाहती है समाज से भाई, एक वह चीज़ दिखाना चाहती है, अब वो कितना करती है कितना नहीं, मतलब जो जो सेंटर चलाते हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई अगर जय एक्चुअल में ये ग्राउंड पर कैसे काम करती रही और समेश का साथ देता रहा, तो ये एक बड़ी ओरिजिनल चीज़ उन चीज़ों को सामने लेके आएगी जी। के बाद से इस घटना के बाद से क्या, चूंकि आप भी यहाँ, कितने हैं बच्चे आपके पास रेसलिंग के, कितने बच्चे हैं? रेसलिंग के मेरे पास में करीब 45 बच्चे हैं जी। 45, और लॉन टेनिस? लॉन टेनिस के करीब मेरे पास 50 बच्चे हैं, 90 हैं मेरे पास में, लॉन टेनिस के भी 8 ग्राउंड हैं, और लॉन टेनिस के भी लगा लो मेरे पास में लगभग जूनियर डेविस कप है, फिनिस्टा टाइटल, ITF टाइटल है, नेशनल है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तो बच्चे यहाँ से खेले हैं जी। हाँ। लेकिन विनेश के मामले के बाद से क्या यहाँ कोई निराशा भी, क्योंकि होता है जो दूसरे बच्चे होते हैं जो आइडल समझते हैं विनेश जैसे, विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों को अपना आइडल मानते हैं, वैसे में क्या कोई निराशा यहाँ झलकी आपको लोग अपने आपके स्टूडेंट्स के बीच?
देखो सर, जो इबिस का वहाँ से जो गोल्ड की उम्मीद लगा रहे थे और नहीं आई, वो तो देखो मैं जिसने पहलवानी करते हैं इंडिया में कहीं भी, इंडिया में नहीं वर्ल्ड के अंदर कहीं भी, सर कौन बच्चा कितना वहाँ तक लेके आता है, लेकिन इबिन के अंदर और मतलब जो अंदर की शक्ति जगती है इन बच्चों के अंदर, वो अंदर से शक्ति जगी है जी, शक्ति जगी है। यहाँ पे कौन कोच हैं शायद? हाँ जी, ये अपनी दीपिका है जी, ये बैसवाल गांव से है रहने वाली, और ये लड़कियों की तकरीबन रेसलिंग की ये ट्रेनिंग करवाती है, और जो लड़की यहाँ ट्रेनिंग करती है तो मैं भी काफ़ी रिलैक्स होता हूँ, क्योंकि लड़कियों की छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स की होती है तो ये अपने उस पर करती है, तो लेडीज़ के जो गेम करती है और जेंट्स अगर उसके बीच में आता है तो थोड़ा उसमें कोई वो रहता है, और लड़कियों की कराती है तो उसमें फिर हमारे को प्रॉब्लम नहीं रहती, वो उसकी गहराई समझती है वो लड़की, और जब लड़की की गहराई समझ के और लड़के ऊपर काम नहीं करेंगे जब तक वह उस चीज़ का मेडल नहीं देगी जी। ये जी, तो ये अपनी गुड़िया जी। तो दीपिका कब से हो आप यहाँ पे? मेरे को 12 साल हो गए। 12 साल? हाँ, पहले मैं यही प्रैक्टिस करती थी, मैंने 8 साल प्रैक्टिस की है, 4 साल से मैं कोचिंग दे रही हूँ यहीं पे। अच्छा, तो आपने टूर्नामेंट में भाग भी लिया, खेला भी? हाँ मैं खेली, मैं नेशनल लेवल तक खेली हूँ, 3 बार मेरा मतलब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट है, स्टेट में कई बार फर्स्ट पोजीशन है। तो अब ट्रेनिंग, चूंकि ट्रेनिंग ली यहीं पे, अब ट्रेनिंग दे रही हैं, तो क्या एक्सपीरियंस आपका है पुराना, और अब कभी यहाँ स्टूडेंट होती थी, अब यहाँ पे आप ट्रेनर हैं, कोच हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? ये बहुत अच्छा लगता है कि पहले मैं यहाँ करती थी, अब कराती हूँ, तो एक परिवार जैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेरा खुद का सेंटर है, ऐसा नहीं लगता कि मैं बाहर करा रही हूँ, ऐसा लग रहा है अपने घर में करा रही हूँ, मेरा खुद का सेंटर है, तो काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है। विनेश फोगाट का जो मामला हुआ उससे आप लोगों को कोई तकलीफ हुई? तकलीफ तो होती है, एक प्लेयर इतना ऊपर जाता है, इतना अच्छा आउट देता है और बिना मेडल के वापस आता है, तो सबको दुख तो होता ही है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में हैं तो क्या कहेंगे, एक खिलाड़ी अब पॉलिटिक्स में पहुँच गया है? अभी पहुँच गया तो हमें उनके साथ रहना चाहिए, साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर ही प्लेयर की भावना को समझता है, वो गहराई में जा सकता है, समझ सकता है, कल को लड़कियां ऊपर जाती हैं तो उनको इंसाफ दिला सकता है। तो कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे? हमारे पास कम से कम 15-20 लड़कियां हैं। 20 लड़कियां हैं। और सब खेलती हैं, बाहर भी जाती हैं खेलने, बाहर मतलब? हाँ, टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं? टूर्नामेंट खेलती हैं, जूनियर की हैं, कैडेट की हैं, सब जूनियर की है, अंडर 11 की हैं, तो वो जाती हैं। अभी भी हमारी लड़कियां एक नेशनल में जा रही है जानवी, स्कूली नेशनल में, अभी अंडर 11 की है, स्टेट में जाएगी जिया, तो ऐसे बच्चे ये अंडर 11 की है। अच्छा। ये स्कूली गेम में अभी इसकी टूर्नामेंट थी परसों, ये अपने वजन में फर्स्ट आई है, अब ये स्टेट खेलने जाए। क्या नाम है? जिया। जिया, अच्छा, अंडर 11 है ये? अंडर 11 है ये। अच्छा, कहाँ, नेशनल लेवल पर खेलेगी? अब ये स्टेट लेवल पे जाएगी, अंडर 11 है वो, स्टेट लेवल तक ही होता है, उससे ऊपर नहीं होता, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए सबसे पहले कंपटीशन होता है अंडर 11 का, तो अभी ये स्टेट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई है, पंचकुला इसका डिस्ट्रिक्ट होगा और स्टेट होगा। कैसा लग रहा है, मतलब क्यों आपने सोचा कि रेसलर बनना है? किसने बोला कि रेसलर बन जाओ? खुद ही का सपना, खुद सोचा ऐसे? आपका नाम बोल रहा हूँ मैं, दीपिका। दीपिका, ये बताइए कि जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो क्या खुद सोच के या पेरेंट्स बोलते हैं? पेरेंट्स का कितना साथ मिलता है बच्चों को? पहले तो बच्चे का ही खुद का ही होता है कि दूसरे को देखता है, बड़े सीनियर को देखता है, टीवी पे देखता है, विनेश फोगाट को, सुशील को, योगेश्वर दत्त को देख लिया, उनको देख के प्रेरित होते हैं बच्चे। पेरेंट्स तो वही बोलते हैं जिसने पहले पहलवानी कर रखी होगी वो अपने बच्चे को डाल देंगे, लेकिन जो जिसके पेरेंट्स ने नहीं की है तो बच्चा इधर उधर से देख के ही सीखता है, तो बच्चा आ रहा है, अच्छा कर रहा है, तो पेरेंट्स का अच्छा साथ मिल जाता है, पेरेंट्स का साथ मिलता है। तो और आगे कहाँ तक खेलना है? ओलंपिक? पूरी जिंदगी अभी उसने सोचा नहीं है, अभी उसने सोचा नहीं है, अभी वो 10 ही साल की तो है नहीं, तो यहाँ से ओलंपिक खेल के क्या बता रहे थे? सोनम मलिक। हाँ, सोनम वो यहाँ गांव से ही है, सर ने उनकी प्रैक्टिस करवाई है, हम साथ में प्रैक्टिस करते थे, फिर मैंने प्रैक्टिस करवाई भी है, हमारे सर ने उनको ओलंपिक तक पहुँचाया है। तो सोनम मलिक की तस्वीर आपने देखी होगी, जब हम गेट के अंदर आ रहे थे तो बाहर लगी हुई है, और ब्रॉन्ज मेडल शायद है ना,
एशियाड से, एशियाड से अभी जो एशियाड हुआ था चीन के अंदर, अब उसका थर्ड मेडल वहाँ से आया था, और जो लड़की बहुत अच्छी थी वह जो चाइना वाली, वो उसने हराई थी उस मेडल के लिए। मतलब मुख्य मुकाबला जो है इसमें आपको कहाँ कहाँ किन किन कंट्रीज से ज़्यादा, चाइना तो है ही, उसके अलावा और कौन कौन से? सर अमेरिका भी है, जापान भी है, और चाइना भी है, किर्गिस्तान भी है। तो ये देखो किस कंट्री का मतलब ठीक बच्चा निकल के आ रहा है, लेकिन लगभग ज़्यादा अगर रेसलिंग में अगर लड़कियों की अगर देखते हैं तो जापान मतलब ज़्यादा इसके अंदर होता है जी, इसके अंदर, क्योंकि वहाँ जितनी इतनी बच्ची जो छोटी छोटी होती है तो बड़ा उनके अंदर पहले ही इतना टैलेंट बना होता है कि मतलब जितना बच्चा ही हमारा सीखने लग रहा है इतना तो बहुत आगे एडवांस हो जाते हैं बच्चे। हरियाणा की ही है? ये हरियाणा की है, मेरे यहाँ लोकल गांव की है, मेरे पास आवलाना गांव है उससे है लड़की, और ये भी इतना ये मतलब खुलने लग रही है क्योंकि ये काफ़ी एक वैसे माहौल में रही है, लड़की वाले माहौल में रही है, तो ये भी खुलने लगी है। अब जैसे ही बाप आगे हो तो कभी इसने कभी बोलने का मौका, इसने आज पहली बार ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है, तो ये धीरे धीरे बच्चा ऐसे खुलता चला जाएगा। अभी ये जिले में फर्स्ट हुई है, तो जिले में फर्स्ट हो गई, हरियाणा में जाएगी खेलने के लिए गुड़िया। हाँ तो अभी देखो आप 2 बजे आए हो तो 2 बजे भी आके भी गुड़िया है, तो इसके अंदर कितना टैलेंट पड़ा होगा इसके अंदर। ये बच्चों के साथ अन्याय है। इनका जो प्रैक्टिस सेशन है अमूमन वो सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाता है और 7:30 बजे तक सोने का टाइम होता है। ये सोने का टाइम होता है, पहलवानों के आराम करने का टाइम होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्षमा मांगते हैं। दूर से आए हो, पहलवान बच्चों से भी हम थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं क्योंकि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि मजबूरियां हमारी ये है कि हम चुनावी यात्रा में निकले हैं और हरियाणा आए और अखाड़ों में नहीं आए तो फिर शायद हमारी ये यात्रा जो है अधूरी हो जाएगी, हरियाणा अधूरा हो जाएगा। उसमें भी जब पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन कई सितारों ने किया है, एक पे एक खिलाड़ी हैं। आपने खास चीज देखी होगी, क्या आप पहचान पा रहे हैं इनमें लड़का कौन है लड़की कौन है पहलवानों में? आप देखें, आप ये देखें, ये लड़कियां हैं दोनों, एक बार नजदीक कैमरा लेके देखें, क्योंकि पहलवान में जेंडर बायस नहीं है, शक्ल भी लड़कों जैसी हो जाती है। अच्छा, रियली मैं इन दोनों को लड़का मान रहा था। ये लड़की है, अभी ये लड़की है, अभी खेलो इंडिया में इसका गोल्ड है। अच्छा, और अभी स्टेट में स्कूली स्टेट में भी ये फर्स्ट होली है, अभी नेशनल में जाएगी, अभी मेरठ के अंदर नेशनल है तो वहाँ खेलने के लिए जाएगी। अच्छा, ये गुड़िया क्या नाम है बेटा? जानवी सर। जानवी, तो और आप आ जाओ इधर। मैं सच में मैं ये सोच रहा था कि दोनों मुझे पता था, क्योंकि हर कोई, लेकिन हम अखाड़ों में रहे हैं, हमें थोड़ा सा पता लग जाता है कि लड़की कौन है लड़का कौन है। लेकिन सही कह रहे हैं, आपकी जेंडर का फर्क ना हो जहाँ पे, इससे बेहतर और क्या हो सकता है अखाड़ों में। प्रशांत जी आप भी हमारे साथ हैं जरा, आप भी, क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प है यहाँ पे आना, यात्रा हमारी सफल हो गई मैं ये मान रहा हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इस वक्त दोपहर के वक्त जब इन बच्चों के आराम करने का समय है आपने इनको जगा करके बुलाया है, और अभी भी जोश है इन लोगों में मैं देख रहा हूँ, और सच में मैं पहचान नहीं पाया था, खासकर इन तीनों को नहीं पहचान पाया था। हम भी प्रॉब्लम समझते हैं जब आप इतनी दूर से गुड़गांव से आए हो, और जब यहाँ हमारे को आपने एक देहात में आके ढूंढ लिया और ऐसे सेंटर को ढूंढ लिया जो ग्राउंड पर रिजल्ट दे रहा है, तो ये भी है तो बिल्कुल सो रहे थे अब 2 घंटे बिल्कुल ये फुल रेस्ट, इनको यही नहीं पता हम कहाँ सो रहे, लेकिन हम आपकी प्रॉब्लम करते हुए मैंने इनको कराया, माँ बेटे ऐसे ऐसे है, तो बोले सर कोई बात नहीं हम अभी ग्राउंड पर आए, तो तब ये आखा अब मैं तो ये देखा हूँ अभी जाकर इनकी नींद खुली है, ये इतने जो पहलवानी नींद होती है ना, पहलवानी नींद में जाकर तो इनकी नींद खुली है जी। आपका क्या नाम है? अंशु सर। अंशु? यस सर। तो अंशु है, अंशु किस क्लास में हो आप? सर अभी एग्जाम दिए थे 12th के। 12th में आप भी, और आप किस में हो अभी? 12th में हो? हाँ 12th में सर। 12th में। आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी, हाँ आपने बताया था, जानवी, अंशु और आप जिया हैं, और आप दीपिका हैं। हाँ देखिए नाम अब याद हो गया, नाम याद हो गया क्योंकि एक बार में याद नहीं होता। लेकिन प्रशांत जी बहुत मज़ेदार है, देखिए आप भी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस दोपहर में कम से कम आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कैमरे के आगे नहीं बल्कि ये साफ, हम लोग जब आए तो देखे ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। बड़ी बात राजीव जी ये है कि ये ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, गाँव के हैं, और गाँव में ये सेंटर है, तो हरियाणा के खेतों में मेडल भी पैदा होते हैं, ये हम देख रहे हैं देश में। अभी भी आप देखिए कि
विनेश फोगाट मेडल लेकर आए, मनु भाकर मेडल लेकर आए, हरियाणा के लोग हैं और ये इंस्पिरेशन है इन बच्चों के सामने। और आप लोगों ने कभी टीवी में इंटरव्यू दिए हैं आज से पहले? नहीं, ये नहीं दिए। नहीं, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि जब ओलंपिक का मेडल लेकर आप बाहर आएंगे तो बहुत सारे टीवी कैमरा आपके इंटरव्यू लेंगे, तो आज प्रैक्टिस आपकी ये भी हो रही है साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक खास बात ये है सर कि हरियाणा की जो टोटल पॉपुलेशन है अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पूरे देश की 2% बैठती है, सिर्फ 2%। लेकिन एशियाड में और ओलंपिक में जो मेडल टैली देखी जाए पूरे इंडिया की, तो हमेशा वो 50% से ऊपर हरियाणा की ही रही है। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि हरियाणा में खेलों के प्रति कितना क्रेज है। और मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैंने कई दिन में इतने इंटीरियर में आना हुआ, मेरा भी गुड़गांव में रहते रहते अंदर क्या हो रहा है उस पर नज़र नहीं गई थी। ये एक बड़ा सुखद सरप्राइज़ है, लॉन टेनिस, और वो भी बड़ौदा गाँव में, मदीना गांव में। तो वो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मैं मानूंगा, और उसमें भी वर्ल्ड लेवल तक पहुंचना, वर्ल्ड लेवल तक, तो ये सुखद बदलाव है। तो हरियाणा ये नहीं है कि सिर्फ कुश्ती का या हॉकी का या बॉक्सिंग का हब रहेगा, बिल्कुल बाकी जो और गेम है उसमें भी तरक्की करेगा। अभी चर्चा चल रही थी कि ग्रीको रोमन में क्यों नहीं जा रहे हैं देश के पहलवान, तो अजमेर जी ने कहा कि उस पर भी काम हो रहा है, तो आगे और भी मेडल लाने की हमें लग रहा है कि चांस हैं। मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ना सिर्फ पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स इसलिए कह रहा हूँ कि अभी चुनाव का वक्त है, बल्कि खेलों में, और खेलों में भी अगर चाहे रेसलिंग हो, चाहे लॉन टेनिस हो, चाहे और भी दूसरे कई सारे खेल हैं, कबड्डी में भी बहुत आगे है, हरियाणा के काफ़ी खिलाड़ी जो हैं वो कबड्डी में भी आगे हैं। तो ये सारे गेम, सारे खेल जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन कराते हैं, सीना जो है वो बिल्कुल चौड़ा हो जाता है ये देख कर कि हाँ हमारे यहाँ के खिलाड़ी बाहर जाकर मेडल लेके आ रहे हैं। और उन्हीं में से एक अगर हम हरियाणा में हैं और अखाड़े में हैं और जहां यहां बच्चों को देख रहे हैं, तो गर्व से हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है कि हाँ चलो हम उस जगह पे हैं जहां भारत का नाम रोशन हो रहा है। और ये 90 में शुरू में फर्स्ट में नेशनल गया था सीनियर में। अच्छा हाँ, ये नीचे बैठा हूँ, ये 90 में नेशनल में गया था, ये मेरे गुरु जी का फोटो, वहां पर जब मैं चंद्रपाड़े में कुश्ती करता था, चंद्रपाड़े में कुश्ती करता था, तो ये साथ में कई ओलंपियन प्लेयर हैं, वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं बच्चे, तो इनमें सबसे छोटी एज में मैं इधर कोने में बैठा हूँ, ये 90 का मेरा ही फोटो। गुरुजी ने ऐसे बुला लिया था, बोले आओ भाई चलो एक फ़ोटो लेते हैं, तो याददाश्त आज भी मतलब मेरे को जब देखता हूँ तो वही टाइम मेरे को याद आता है जी। फिर ये अपनी जो गुड़िया ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक में गई थी, ये उसके फोटो लग रहे, वो विनेश है गुड़िया, वह अंशु है जो ओलंपिक में गई थी, वो जो साथ में बीवी वो पेरिस में या टोक्यो ओलंपिक में गई थी अंशु, और वो विनेश है वही मतलब उसके बचपन के वहाँ जो हमारी गुड़िया साथ मरण करती थी वो फोटो। ये इब एक में इब उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी हमारे को बुलाया था, जो वो फोटो रहा, तो हमारे से काफ़ी करके बातचीत हुई थी हमारी। और इस साइड ने ये गुड़िया है जो अभी खेलो इंडिया में ये गोल्ड लेके आई थी, जो सरकार ने खेलो इंडिया जो स्कीम चला रखी है, जानवी मोर जी ऐसा करके जी। हाँ यही गुड़िया, हाँ जानवी को अभी आप मिले, पीछे जानवी हैं और उसकी तस्वीर है, और यही तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ बयां करती हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को फील करते हैं कि चलो महानगर बहुत दूर है यहाँ से, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है रोज़ाना ओलंपिक और एशियाड में जो नियम चेंज हो रहे हैं उनसे अवेयर होना वो बहुत बड़ी बात है। और मलिक साहब की जो एक्सपर्टीज़ है उसमें एक ख़ास बात है, क्योंकि आजकल कुश्ती रेसलिंग जो है वो पावर गेम नहीं रहा सिर्फ कि आप में पावर है तो आप जीत लेंगे, ये टेक्निकल गेम ज़्यादा है, ट्रिकी है, और वो ट्रिकी और टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो आपको अवेयर रहने से आती हैं। तो क्या नियम बदले हैं, क्या नियम नए जुड़े हैं, उनसे जो अवेयर करना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि मिट्टी के अखाड़े होते थे, कसी हाथ में दे देते थे, खोदते रहते थे, पहलवान बोला इससे कब्जे मजबूत हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ आप भी पहलवानी की है क्या? मैं 10वीं तक जी लग रहा है तो उसमें हमारे टाइम यही होता था कि हाथ में कसी पहले दे देते थे, भाई खोद दो इसको अखाड़े को, आप
वो बनोगे, दूध खा, दूध पी लो, फल खा लो, घी खा लो, ये खा लो, लेकिन आजकल क्या है कि न्यूट्रिशन कैसा हो, हैं कितने बजे आप सो, सारी चीज़ें जो एक मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मैनेजमेंट ये बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। वो तो साफ दिख रहा है, और इस वक्त जबकि हम बिल्कुल दोपहर में हैं और बहुत सारे जो प्लेयर हैं वो आराम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ खिलाड़ी यहाँ हमारे विशेष बुलावे पे आए और उन लोगों ने बातचीत की, और ये एक अखाड़ा, और जहाँ से हम हरियाणा को थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि न सिर्फ चुनाव और राजनीति बल्कि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो खेती किसानी के अलावा अखाड़े और अखाड़ों से देश का नाम रोशन करने की कोशिश, और उसमें बच्चे जी जान लगा देते हैं, और उनमें से ही विनेश फोगाट का केस जो है वो आप लोग जानते हैं, उस पर खूब चर्चा हो गई, ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा, नहीं बताऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बच्चे कल को कई विनेश बने और कई तरह से अलग अलग ढंग से अलग अलग जगहों से खासकर ओलंपिक और इंटरनेशनल जो गेम्स हैं उसमें ये भारत का नाम रोशन करें, यही कामना है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब की, आपने समय निकाला और इन बच्चों को बुलाया और बातचीत की इस दोपहरी में, और हमने आपको थोड़ा सा कष्ट दिया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम कि आपको दोपहर के वक्त आपको भी जगाया हम लोगों ने। हमारी ड्यूटी बनती है और हमारा सौभाग्य है सर जो आप हमारे बीच में पहुँचे, और हमारे जो चैनल के जो दर्शक हैं देखने वाले उन तक हम अपनी बात पहुँचा सके, तो ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या मांग करते हैं आप, सरकार आपकी क्या हेल्प करे? सर सरकार बस ये है कि सर ग्राउंड पर आकर सरकार देखे, और जिससे मतलब जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं या सेंटर जो करा रहे हैं उनको एक ऐसा कोई स्कीम, ऐसे एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें ग्राउंड पर काम करने वालों को भी दिक्कत नहीं हो, और बच्चे जो कर रहे हैं उनको भी ये लगे भाई हम एक सही भविष्य की तरफ चल रहे हैं। आपको अभी तक सरकार से क्या मदद मिली है? बस सर सरकार से तो मेरे को कोई खास अब तक मदद मिली नहीं है, पहले जब कांग्रेस सरकार थी यहाँ तो उन्होंने मेरे को 11 लाख रुपए सेंटर के लिए दिया था, तो उससे फिर मेरे के अंदर थोड़ी जान आई थी, और जिससे इन बच्चों को रिजल्ट निकाला था अब तक, तो फिर मेरे को इतना कांग्रेस को तो गए 10 साल हो गए पूरे सर, फिर 10 साल पहले दिया है, 10 साल जब मैं पिछले ये 10 साल गुजरे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिला? नहीं सर, उसके बीच में फिर मेरे को नहीं मिला। सरकार तो ये कह रही है कि हमने सर खेलों के लिए ये कर दिया, हमने वो कर दिया। देखो सर सरकार कह रही है मिलने वालों को मिल रहे हैं, मैं तो जो ग्राउंड पर जो चीज़ मेरे को मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को 11 साल पहले कांग्रेस सरकार ने दिया था, और उससे मतलब मेरे अंदर काफ़ी जान आई थी, और जो मैं आज इंडिया को रिजल्ट दे चुका। वो जो पैसे आए थे 11 लाख, उसका रिजल्ट क्या रहा? उसका रिजल्ट ये रहा सर, मैंने ओलंपिक के बच्चे यहाँ से तैयार कर दिए, अब मेरे को सरकार की कोई सुविधा ना होते हुए। तो इसका मतलब ये है कि आपको बीच में और पैसा मिल जाता, ग्रांट मिल जाती या कोई और मदद मिलती, तो मिलती तो आप और बेहतर कर सकते थे। बहुत बेहतर कर सकता था सर, मैं तो बिल्कुल दूसरों को मतलब एक काफ़ी चुनौती पैदा करता, भाई देखो मेरे इस सेंटर से इतने बच्चे वहाँ पर जा रहे, जो इंडिया का पूरा फोकस होता है भाई बच्चे वहाँ ओलंपिक में जाएं, एशियाड में मेडल ले आएँ, तो अगर मेरे को और थोड़ी सुविधा मिल जाती तो मैं इतना लगा देता बच्चों को, ये मेरे पास में इतने गरीब बच्चे हैं, इतने गरीब घराना से उनको मैं अपने आपने कभी सरकार को इस बारे में कोई पत्र लिखा? अरे सर जी मैं कितना रंडरोना ना रोया, अगर मैं कितना कहाँ कहाँ नहीं गया, मैं कितना पूछे चक्कर ना काटे, तो कोई रिजल्ट नहीं निकला भाई। रिजल्ट तो सर अगर आता तो फिर आपको मैं दिखाने देता भाई, मेरे को ये चीज़ें मिल लिया। ये स्पोर्ट्स पॉलिसी है हरियाणा, ये नया हरियाणा है जो खेल का महाकुंभ बन खेल के बारे में बहुत सारी बातें, और न सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूँ बल्कि मोदी सरकार बहुत दावे करती है, लेकिन वैसे में अगर ऐसे अखाड़ों को और मदद मिले, आर्थिक मदद उसके अलावा भी जिस भी ढंग के मदद की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, वो मदद मिले तो शायद ओलंपिक में हमारा जो मेडल टैली में हम और ऊपर जाएंगे। ये तो साफ भारत सरकार ने सर एक पॉलिसी बना रखी है, जो जिसका बच्चा ओलंपिक में या एशियाड में मेडल लाएगा उसके गुरु को भी इतने पैसे मिलेंगे। अब मैंने वो फार्म भी भर दिया करा, कितने ऑफिसों के मैं चक्कर काट लिया, अब तक मेरे को एक भी रुपया नहीं मिल लिया उसके लिए। कितनी बार मैं गया वहाँ पर, उड़ा सेंटर में भी जाके आया, यहाँ स्टेट में भी जाके आया कि भाई मतलब मेरे बच्चे वहाँ से मेडल ले आए, भाई मतलब हमारे को होना चाहिए, अगर वो बच्चे हमारे को टाइम पर मिल जाए तो हमारे अंदर और भी जान आए, ताकि और भी बच्चे हमारे आगे जाकर ऐसे मेडल लेके आएँ। अब वो चीज़ें चक्कर काटते रहो, चक्कर काटा कि इन बच्चे यहाँ ग्राउंड पर ट्रेनिंग कराएं जी। के साथ समाज से भी खड़े हैं मलिक साहब, ये मदद करेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हो?
मलिक साहब आप भी बताइए, देखिए ये भी मलिक हैं, ये भी मलिक हैं और ये अपने बड़े भाई हैं। जितनी मदद हमारे से होगी हम भाई साहब के साथ, हम इनसे दूर नहीं, ना ये हमारे से दूर हैं। जो तन मन धन से जो भी होगा हम भाई साहब के साथ, भाई साहब के साथ हम बिल्कुल तय दिल से खड़े हर तरह से। देखिए बात बिल्कुल सही है और दोस्तों आप जानते हैं कि ये किसी पर्सनल कोई आर्थिक मदद या किसी भी ढंग के मदद की बात नहीं, बल्कि देश का नाम रोशन करने के लिए मदद की अगर ज़रूरत हो तो इसमें तो सबको आगे आना चाहिए। और वैसे में भी बता दीजिए एक बार दर्शकों को, मलिक साहब इस अखाड़े का पूरा एड्रेस बता दीजिए। मेरा गाँव मदीना है। ये सेंटर गाँव मदीने के अंदर है, ये तहसील गवाना है इसका, जिला सोनीपत और हरियाणा सर। और ये जो मदीने की जो सीमा उसके अंदर जो ये जो रोड जाता है गवाना से राजस्थान रोड जाता है, इसको मैम ब्याणी रोड बोलते हैं। इस रोड के ऊपर इस ये सेंटर है सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से सेंटर है। ताकि मैंने सेंटर भी जब मैंने काफ़ी देखा तो वह सुभाष चंद्र बोस ने जो देश के लिए काम करा है तो उसी के नाम से फिर मैंने इस सेंटर को करा सर, क्योंकि मैं आर्मी से आया हूँ, आर्मी वह चीज़ देखी, फिर मैंने ग्राउंड पर आकर भाई जो एक देश के लिए जो जिन्होंने सच्चा काम किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तो उसके नाम से फिर मैंने सेंटर करा। नहीं तो मैं अपने नाम से भी कर सकता था, पिताजी का नाम से भी कर सकता था। नहीं, जिसने देश के लिए एक नंबर का जिसने काम करा उसके नाम से सर फिर मैंने सेंटर किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से सर। बहुत बढ़िया। तो ये वही मैं कह रहा था कि यहाँ मदद जो है या किसी भी ढंग के ऐसे मदद की जो आवश्यकता होती है वो इसलिए नहीं कि इस अखाड़े को चलाना है, बल्कि देश का नाम रोशन करना है और उसके लिए सरकार को तो आगे आना ही चाहिए। बाकी प्राइवेट जो एजेंसियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, बाकी सब हैं, वो आगे आएँ तो बेहतर है, लेकिन सरकार को जो दावे करती है, प्रति दावे करती है कि नहीं हमने ये किया वो किया कर लिया, खेलो इंडिया खेलो और बाकी बहुत कुछ ऐसा है जिसके ज़रिए ऐसे सेंटर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे अखाड़ों को आगे बढ़ाना चाहिए जो बहुत कुछ देते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। उसी में से बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लोगों के नाम हम ले चुके हैं यहाँ पे और उनमें से एक विनेश फोगाट इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। देखते हैं आगे होता है क्या, लेकिन राजनीति से पहले जो खेल है उस खेल में यहाँ जो खिलाड़ी अपना भविष्य आजमा रहे हैं उनकी उनके लिए शुभकामनाएं और शुभकामनाएं आपके लिए भी कि आप ऐसे ही नाम रोशन करवाएं, ऐसे बच्चों को यहाँ और आगे बढ़ाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। जी आपने भी जो हमारे को आगे आशीर्वाद दिया और जो ये प्यार दिया सदा इसका आभारी रहेंगे और इसमें और भी हमारे अंदर ताकत आई है। जी बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए इस कार्यक्रम को, और फिर चलते हैं इस यात्रा में कुछ और जगह पे और वहाँ समझते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन उसके अलावा ये हरियाणा और हरियाणा में अखाड़ा अगर नहीं तो फिर शायद हमारी ये यात्रा अधूरी रह जाती, इसलिए यहाँ हम स्पेशली आए थे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।